हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई अदर रिटर्न आपको रिसीव होता है तो आप कैसे क्लेम करेंगे। तो आपको क्लेम करने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। मैंने जैसे कि अभी पीछे रिसेंटली एक वीडियो डाला है जिसमें मुझे अदर रिटर्न रिसीव हुआ है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप उस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं या आप फोटो वन बाय वन क्लिक कर सकते हैं जिसमें लेवल की फ़ोटो और स्क्रीन, उसमें पूरी पैकेट की फ़ोटो, बैक साइड, फ्रंट साइड, उसके बाद इनसाइड जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उस प्रोडक्ट की फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद आपको अटैचमेंट लगानी होगी, आपको सेलर सेलर इसके अंदर जाके आपको सेलर पोर्टल के अंदर जाके आपको क्या करना है, आपको रिटर्न्स में जाना है। यहाँ ऊपर जो टॉप टैब दिखते हैं इसके अंदर एक एक्टिव ऑर्डर्स जो रहता है, ऑर्डर वाले टैब में रिटर्न्स का ऑप्शन है। रिटर्न वाले टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखा है सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी सर्च करेंगे। मैं ऑर्डर आईडी सर्च कर लेता हूँ अभी। तो मैं आपको एक अपने पास जो मैंने प्रोडक्ट की फ़ोटो डाउनलोड करी हूँ आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको प्रोडक्ट खींचना है। तो प्रोडक्ट की फ़ोटो किस तरीके से लेनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट की फ़ोटो लेनी है। एक प्रोडक्ट की फ़ोटो ऐसी होगी जिसमें आप प्रोडक्ट दिखाएंगे, एक ये होगा जिसमें आप पूरा पैकेज कवर करेंगे, दूसरा होगा जिसमें लेबल की फ़ोटो रहेगी, इसमें पूरा क्लियर फोटोज दिखनी चाहिए उसके अंदर कि हाँ प्रोडक्ट के आईडी क्या है, रिटर्न आईडी और ऑर्डर आईडी। साथ में इसके बाद एक पैकेज की फ्रंट साइड की फ़ोटो रहेगी, एक बैक साइड की फ़ोटो रहेगी। उसके साथ साथ आपको एक बैक फ़ोटो लेनी है। इस तरीके से 6 या 7 इमेजेस आपको लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अटैचमेंट लगानी होगी इसके अंदर। तो पहले आपको सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर आईडी क्या थी उसको देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी चेक कर लेता हूँ। ये ले लेते हैं, ये वाली इमेजेस में ऑर्डर आईडी है, इस इमेज में ऑर्डर आईडी मिल जाएगी हमें। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी टाइप कर लेता हूँ, एक सेकंड दीजिए, मैं फोन से देख लेता हूँ अपने। मैंने अपने फोन से उसमें फोटो खींची थी तो यहाँ पे मैं स्कैन कर लेता हूँ इसकी, कोई हो जाएगा। तो स्कैन नहीं हो रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ सर्च ओडी। तो मैंने इसकी ऑर्डर आईडी सर्च करनी है, ऑर्डर आईडी में सर्च कर रहा हूँ, ये ऑर्डर आईडी आ गई है। अब इस ऑर्डर आईडी में क्या है कि अब मेरे को क्लेम करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है क्लेम एसपीएफ, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसी विंडो ओपन होगी यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे ये प्रोडक्ट का की डिटेल आ गई। अब तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे मेरे को इसमें प्रोडक्ट मिसिंग हो गया है तो मेन प्रोडक्ट मेरा मिसिंग है, तो इसके अंदर नीचे जाएंगे, आई हैव आई रिसीव्ड ए रॉन्ग प्रोडक्ट। यहाँ पे पिक्चर्स लगानी है, इसमें फर्स्ट में जो आएगा वो आपको लेबल की फ़ोटो लगानी है। यहाँ पे आपको लेबल की फ़ोटो लगानी है। सेकंड में आपको लगाना है, मेरा फर्स्ट अपलोड दो। ठीक है, इस तरीके से आपको सेकंड इमेज लगानी है। सेकंड रहेगी पैकेजिंग की, लेबल साइड से। उसके बाद यहाँ पे आएगी बैक साइड, फिर
उसके बाद ऐसे ही आप लगातार सारी फोटो अपलोड कर दें, सीक्वेंस में सारी फोटो अपलोड कर दें। तो यहाँ पे मैंने सारी फोटो अपलोड कर दी है। अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत क्या हुई है। तो आई रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट इन रिटर्न, इतना लिख के भी आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट क्लेम का ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे साइड में, यहाँ पे ब्लू कलर का जहाँ पे मेरी इमेज आ रही है उसके साइड में दिख रहा होगा आपको। तो आप यहाँ पे इसको सबमिट क्लेम कर दें। अब वो क्लेम प्रोसेस में चला गया है, यहाँ पे इन प्रोग्रेस में आ गया है। अब जैसे ही ये क्लेम अप्रूव होगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लेम अप्रूव। जो अमाउंट आपको अप्रूव हुआ होगा वो अप्रूव अमाउंट दिखाने लग जाएगा। जैसे कि ये पहले मैंने अभी क्लेम किया था कुछ दिन पहले, तो इसमें मेरे पास क्या अमाउंट क्लेम कर लिया आया है, तो इसमें मेरा एक पीस रिसीव हुआ था मुझे सिर्फ, और एक पीस मिसिंग था, तो उसमें 90 रुपये मुझे रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्लेम का अमाउंट जो होता है वो रिसीव हो जाता है। तो इसमें लॉस तो होता ही है, पर कुछ ना कुछ तो रिकवर हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपना कुछ लॉस रिकवर कर सकते हैं। तो ये था आज क्लेम प्रोसेस का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें अपना सपोर्ट देते रहना। और कोई वीडियो चाहिए आपको तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, धन्यवाद।